के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि हमने जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ा दिया है, लेकिन वो जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था किस मेथड से? एलिमेंट्री मेथड से। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है। ठीक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था क्या एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एडजॉइंट की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने बोली थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी थी? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही बताई थी ना हमने। तो अब हम जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्या बताएंगे, हम व्युत्क्रम या इनवर्स कैसे निकालते हैं। मतलब यह है कि हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेके इनवर्स निकालेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप बताइए। इनवर्स आपको पता है ना क्या होता है? जैसे अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई दिया गया होता है तो हम क्या बोलते थे, ए का इनवर्स क्या है? बी। यही बोलते थे ना कि जो बी है वो ए इनवर्स होता है हमारा। तो सेम कंडीशन यहां पे हम उसको लेके आते हैं। बताइए इधर क्या चाहिए, केवल आई, और इधर हमारे पास क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट से पूरे टर्म में क्या हम डिवाइड कर दें? तो बताइए अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई, ये हो जाएगा ना। देखिए हमने जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवीजन कर दिया सब जगह। तो बताइए जरा ध्यान से गौर फरमाइए, अगर मैं इस वाले टर्म को अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए को बोल दू बी है कुछ क्षणों के लिए, तो ए बी इक्वल टू, बताइए ये भी क्या होगा, बी, और ये क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो बताइए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक। और अगर ऐसा होता है तो ए इनवर्स कौन होता है अपना, बी, यही होता है ना। तो बताइए ये जो बी दिख रहा है हमारा, इसी बी का नाम क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ना, या ऐसे कह दे ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक, अब बताइए ए इनवर्स इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसी को थोड़ा खूबसूरती से अगर हम लिख दे तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होगा ना। तो ए इनवर्स जरा ध्यान से देखिए, अब तक हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाते थे तो उसमें कितना सोचना पड़ता था कि किससे गुणा करें, किस रो को किस रो में जोड़ें, ये सब। लेकिन अब डिटरमिनेंट की हेल्प से कितना आसानी से निकल जाएगा हमारा ए इनवर्स। क्या करना है, केवल हमें चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और क्या निकालना रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ओके, तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए इतना। अब हम जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। वैसे तो मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है, लेकिन फिर भी यहां पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रत्येक व्युत्क्रमी या अवयव का व्युत्क्रम एक आवृत्ति होता है। अर्थात अगर हमें जो एक मैट्रिक्स ए दी गई है तो उसका केवल और केवल एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो केवल क्या होगा, ए इनवर्स। मतलब ए का केवल एक ही इनवर्स हो सकता है। दूसरा क्या है, यदि ए और बी सेम ऑर्डर के क्रम, मतलब ऑर्डर के दो व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय मतलब होता है क्या, जिसका इनवर्स निकाला जा सके, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है
वो होता है इनको पलट के अलग अलग इनवर्स निकालोगे। अच्छा एबी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, मैंने इसका प्रूफ भी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में दिया था, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख के देख सकते हैं। यदि ए एक बीजगणित या व्यूह है, जो ए दिया गया एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी और सी उसी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस ए का जो है प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देखिए यहां पे भी बी के पहले है और सी के पहले है, तो प्री मल्टीप्लिकेशन होने पे तो ये जो प्री वाले हैं ये गायब भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी, अर्थात ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम यहां पे भी अगर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ है तब भी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, क्योंकि ये पोस्ट वाले एक कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो किसी में प्री मल्टीप्लिकेशन हो और किसी में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो तो हम ए और इस ए को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। हमें ये बुरा करना पड़ेगा कि कितना आएगा, ये पॉसिबल है कि बी नॉट इक्वल टू सी के हो, ये पॉसिबल हो सकता है बी इक्वल टू सी के हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन आ सकती है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपको याद होगा मैंने एक डायलॉग मारा था बार बार नो बार, तो बताइए इनवर्स किसी भी क्या इनवर्स अगर दो बार निकालते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए थी, मैंने इसका एक बार इनवर्स निकाला, इनवर्स निकालने के बाद फिर उसी का इनवर्स निकाल दिया, हमें क्या मिल जाएगा हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। और अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम पहले ट्रांसपोज ले फिर इनवर्स निकाल ले तो वो इक्वल होगा, हम उसका पहले इनवर्स निकाल ले और फिर क्या ले लें ट्रांसपोज, ठीक, अर्थात ए डैश इक्वल ए डैश का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का डैश। जो बात मैंने इसमें कही सेम बात वही पावर में भी लागू होगी। जैसे अगर किसी भी मैट्रिक्स ए की पावर एन दी गई है, अर्थात ए का गुणा जो है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डाटा एन बार किया गया है और उनका गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है उसका इनवर्स लिया गया है, तो वो होगा हम जो है पहले ए का इनवर्स निकाल ले फिर उसका क्या कर डाले एन बार मल्टीप्लिकेशन, तभी क्या आएगा बताइए सेम आएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। जैसे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि कब जो होता है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा और कब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा, यहां पे कैसे पता चलेगा हमें डिटरमिनेंट में कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि इन्वर्टिबल नहीं है, तो कैसे जानेंगे हम निकालेंगे उसका डिटरमिनेंट, जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसकी क्या निकाल लेंगे डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई जीरो, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है जीरो, तो वो क्या होगा अव्युत्क्रमणीय होगा, अर्थात उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रही है तो क्या होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा, क्या होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, अभी अभी हमने जो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया तो बताइए वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही बताया था ना हमने, तो बताइए ये वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई जीरो तो वन अपॉन जीरो आ जाएगा, और वन अपॉन जीरो आपको पता है क्या होता है अनडिफाइन होता है, तो ए इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए क्या बोल देते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और अगर जीरो के बराबर नहीं है तो बताइए ये तो जीरो के बराबर है ही नहीं, अब जीरो के बराबर नहीं तो मतलब एक दो तीन माइनस आठ माइनस नौ माइनस बारह माइनस एक बटा दो कुछ भी हो सकता है, तो क्या अगर ये कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के तो क्या अव्युत्क्रम होगा इसका,
हाँ इनवर्स हमारा पॉसिबल होगा। क्लियर है बात आपको? ओके तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब तक हमने जो पढ़ा है अर्थात शाखंडक जिसे एडजॉइंट बोलते थे और इनवर्स जिसे व्युत्क्रम कहते हैं उसको जो है उसके एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज 4.5 से समझेंगे। तो 4.5 का पहला सवाल यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हमें ज्ञात करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। आप मुझे बताइए एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है एक्चुअल में, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बताइए। हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई होती है, उस ए से क्या निकालते हैं हम, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का क्या लेते रहते थे, ट्रांसपोज, और उसी का नाम हो जाता था क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमने बताया था ना आपको। तो बताइए पहले ये जितने एलिमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में उस सभी का क्या निकाल लूंगा, सभी एलिमेंट्स का क्या निकाल लूंगा मैं, कोफैक्टर। उस कोफैक्टर से मैं क्या बनाऊंगा, मैट्रिक्स, और फिर क्या लूंगा उसका मैं, ट्रांसपोज। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां करूंगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में खुद से कर लीजिएगा। ओके तो बताइए मैं कैपिटल A11 की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। आपको तो पता है कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, क्या -1 की पावर, यहां मैं लिख लेता हूं C = क्या होता है, -1 की पावर i + j - यही होता है ना, कोफैक्टर -1 i + j - और माइनर क्या होता है आप जानते हैं, जैसे मुझे इस 3 का माइनर निकालना, ये गया ये गया ये 4 एलिमेंट बचे हैं, इन्हीं को जो है क्या कर देते थे, डिटरमिनेंट पे लिख लेते थे। अब मैं जो है सीधा सीधा यहाँ पे आपको केवल निकाल के दिखाऊंगा। अब A11 है ना, A11 1 + 1 = 2 हो जाएगा, तो ये -1 की पावर 2 मतलब प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस। अब ये चला गया केवल यही माइनर लिखना है, तो माइनर में बताइए कितना आ जाएगा, 3, 5, 0 and 1 आएगा ना, +3, 5, 0 and 1 और इसको तो आप सॉल्व करना जानते हैं बचपन से, 3 × 1 कितना हो गया 3 और 5 × 0 कितना हो जाएगा 0, तो 3 - 0 = 3। ओके इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, A12 बताइए क्या होगा, 1 + 2 = 3, -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, ऑड नंबर आया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगाइए और यहाँ माइनर में क्या लिख लेंगे हम बताइए, ये गया 2, 5 - 2 and 1 हो जाएगा ना। अब बताइए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 = 2, 5 × -2 कितना, -10, तो 2 - -10 -2 + 10 कितना 12, इस माइनस की वैल्यू आ गई 12 और उसके पहले माइनस है तो -12। ठीक है बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं किसकी, A13 की, सेम कारनामा उसके लिए भी करेंगे, ये गया ठीक, क्या बचा है, ये 4 एलिमेंट बचे हैं ना, तो मैं सीधा वहां वैल्यू लिखूंगा, बताइए 1 + 3 = 4 हो जाएगा, -1 की पावर इवन नंबर प्लस हो गया, केवल माइनर लिखना बाकी है, तो माइनर में यही 4 एलिमेंट आएंगे, तो बताइए 2 का गुणा 0 में तो 0 हो गया, 3 का गुणा -2 में -6 हो जाएगा, तो 0 - -6 तो कितना हो गया 0 + 6 अर्थात 6। A13 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसी तरीके से A21 मतलब इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, 2 1 पोजीशन पे यही है, तो ये गई। अब बताइए यहाँ प्लस की माइनस 2 है 3, 3 ऑड नंबर है तो माइनस होगा, और माइनर के अंदर क्या आ जाएगा बताइए, ये गई -1 2 0 and 1। तो अब लिखते नहीं, अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है वैसे सीधा सीधा आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। आप लेकिन जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये पूरा डाटा लिख के दिखाएंगे, ठीक। ओके ये -1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1 2 का 0 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, तो -1 - 0 कितना आ जाएगा -1, और ये -1 - क्या हो गया +1। ओके A21 हो गया। अब बात करेंगे A22 की, A22 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2 + 2 = 4 मतलब ये माइनस वाला 4 हो गया पावर में,
तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये चली गई, ये चली गई, एलिमेंट्स कौन कौन है, ये चारों अपने, तो 1, 2, -2 है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से -4 हो जाएगा, तो 1 -4, तो 1 + 4, और 1 + 4 मतलब कितना 5, तो 8 × 2 कितनी हो गई 5। अब बात करते हैं 8 × 3, 8 × 3 कितना हो जाएगा बताइए, 2 + 3 5, और नंबर है तो माइनस लग जाएगा, पहले माइनस लगा लिया, और ये चली गई क्योंकि 2, 3 पोजीशन पे यही होगा, तो ये गई, अब बताइए ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 0 के पास क्या हो जाएगा 0, -1, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 0 - 2, तो कितना हो गया केवल -2, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, 8 × 3 भी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे A31, A31 का मतलब कौन सा, ये वाला एलिमेंट, तो ये चली गई, ये चली गई, यही चार एलिमेंट बचे ना, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, कितना हो जाएगा बताइए -5, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना हो जाएगा 6, तो -5 - 6 कितना हो गया -11, और 3 × 4 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो -11 हमारा क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। ठीक, अब A32 की बात करते हैं हम, A32 का मतलब 0 की बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की, तो ये चला गया, ये चला गया, ये चार एलिमेंट बच गए ना हमारे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 हो गया, तो 5 - 4 कितना जाएगा 1, लेकिन 3 + 2 कितना होता है 5, 5 ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड नंबर तो माइनस देगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्या अपना एलिमेंट होगा A33, A33 की वैल्यू क्या होगी बताइए, एक तो पहले तो 3, 3, 6 तो प्लस में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, -1 की पावर, अब माइनर दिखना है केवल 3, 3 एलिमेंट का, ये गया क्योंकि इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये चार एलिमेंट बच जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 में, 3 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 में तो -2 हो जाएगा, तो 3 - -2 तो हो गया 3 + 2 दैट मीन्स 5। ठीक, अच्छा अगर किसी को जो है ये कोफैक्टर निकालना नहीं आता या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, मैंने इसको जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हमें जो है मिल गया क्या, पूरा का पूरा कोफैक्टर, जितने एलिमेंट थे उतने कोफैक्टर मिल गए, अब क्या करना है उस कोफैक्टर जो मिले हैं उनसे एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स यही बना देता हूं ऊपर, आप जरा गौर देखिए, अब ये मैं इसको मिटा देता हूं, तो हमारी मैट्रिक्स सी बनेगी क्या बताइए, ये देखिए जिस जिस पोजीशन पे लिखा है मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3 उस पोजीशन पे इसे लिख लीजिए, अगर आप इसी तरीके से निकालेंगे ना जैसे मैंने निकाला ऊपर नीचे करके, तो ऐसे जैसे निकला ऐसे यहां छाप देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 - 12 = 6, 1, 5, 2 -11 - 1 and 5, देखिए 3, 1 पोजीशन पे -11 है, 3, 1 पोजीशन पे ही लिखा है, मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला गया है उस एलिमेंट का कोफैक्टर उसी जगह पे रखा गया है। ठीक, इतना रखने के बाद, लेकिन मुझे तो ये नहीं बताना था, मुझे निकालना एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे अब हम इस सी का ट्रांसपोज ले लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, अब मैं इस सी का क्या लेने जा रहा हूं ट्रांसपोज, तो बताइए सी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज लेना आपको तो आता ही है, क्या करना है जितने रोज हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दो कॉलम्स में, तो R1 कितना है 3 - 12 = 6 बन गया C1, देखिए R2 क्या 152 देखिए बन गया C2। ठीक है, R3 क्या है -11 - 1 - 5 देखिए बन गया ये क्या
C3। इसी सी डैश का नाम क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा? 3, 1, -11, -12, 5, -1, 6, 2, 5। ठीक है, तो आई होप आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना अच्छे से सीख गए हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको सिद्ध करना है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर क्या निकालूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए। फिर क्या निकालूंगा? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, बस खत्म हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछूं तो क्या आ जाएगी बताइए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, आपको आता है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, तो बताइए किसके अलोंग खोलूं? इसमें से मैं उसी के अलोंग ओपन करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे, तो वो कौन है? सी टू। तो मैं इसे भी सी टू के अलोंग खोल देता हूं। ठीक है, सी टू के अलोंग। तो सी टू में ये वाला टर्म किस में होगा? माइनस में होता है ना ये, यहां क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस में होगा, तो लिख लीजिए माइनस इंटू माइनस वन, क्योंकि यह माइनस वन है, तो ये चला गया, ये चला गया। बताइए 3 का गुणा 3 में करूंगा कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। और बाकी तो क्या हो जाएगा? 0, 0। तो यहां माइनस प्लस 0, -0। That means, determinant of A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? ये माइनस प्लस हो गया, 3, 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11। तो कितना आ गया बताइए? 11। That means, the value of determinant of A equal to 11। ठीक है, ये आपको एक बात समझ में आ गई? ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए का कैलकुलेशन। तो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ए की गणना कैसे करेंगे बताइए? पहले हमें निकालना होगा कैपिटल ए वन वन, फिर कैपिटल ए वन टू, कैपिटल ए वन थ्री, यहां पे ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो निकालिए प्रत्येक एलिमेंट का वही अपना। तो बताइए 1 + 1 2 प्लस में आएगा, ये गया ये गया, देखिए ये 0 यहां मल्टीप्लाई, ये 0 यहां मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया a11 की वैल्यू? 0। ठीक है, अब आपको जो है ये निकालना आ चुका है। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी आपको करके केवल दिखाता हूं। अब बताइए a12 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 1 + 2 कितना? 3, तो माइनस लग जाएगा आगे। ओके, अब बताइए 2 नंबर के लिए है, 1 2 वाला एलिमेंट यही है ना, -1 का कोफैक्टर निकल रहा है, ये चला गया, ये चला गया, 3 का गुणा 3 में 9 और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -2। तो 9 - -2 9 + 2 दैट मींस 11। ठीक, तो कितना आगे होता है ये? -11। और इसी तरीके से a13 की अगर हम बात करें बताइए कितना आ जाएगा फटाक से? ये चला गया, ये चला गया, ये यहां दोनों 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये भी 0। अब हम निकालेंगे इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर a21 का। तो बताइए a21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चला गया -1 मल्टीप्लाई हो 3 से क्या हो जाएगा? -3। 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, तो आ जाएगा -3, लेकिन 2 + 1 3 होगा, ऑड नंबर तो पहले ही माइनस लग जाएगा और ये -3 आ गया, दैट मींस हमें क्या मिल जाएगा? केवल +3। ओके, अब हम बात करते हैं a22 की 2 + 2 4, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक, यही वाली बात कर रहे हैं हम बार बार। ठीक है, तो ये चला गया 1 2 1 3, 1 मल्टीप्लाई हो 3 से, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 1 और 3 3 हो गया, 2 और 1 2 हो गया, तो 3 - 2 कितना? 1। अब बात करते हैं a23 की। a23 का मतलब इस वाले एलिमेंट की बात, ये गया ये गया ये बचा, तो 1 0 0 हो गया, -1 1 -1 हो गया, और 0 - -1 तो 0 + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1, लेकिन 2 + 3 5 है, जिसकी वजह से इसके पहले क्या लग जाएगा? -5 इज अ ऑड नंबर। ठीक,
अब किसकी बात करेंगे, ए थ्री वन की। ए थ्री वन का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इसे वाले एलिमेंट की बात, ये चला गया ये चला गया, माइनस वन माइनस टू से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा बताइए, प्लस टू, टू जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, जीरो, तो कितना आ गया टू केवल। अब अगर थ्री प्लस वन फोर होगा और माइनस वन की पावर फोर प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ए थ्री टू की, ए थ्री टू मतलब फाइव, तो माइनस लगेगा पहले, ऑड नंबर है ना, ये चला गया ये चला गया, ये माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू माइनस टू टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, माइनस टू माइनस सिक्स कितना हो गया माइनस एट। अब बताइए माइनस और माइनस क्या, प्लस, तो आ गया कितना प्लस एट। और लास्ट का है ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री का मान क्या है, ये रहा ना ये वाली एलिमेंट की बात, ये चली गई, वन मल्टीप्लाई हुआ जीरो से जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ थ्री से कितना हो गया माइनस थ्री, तो जीरो माइनस माइनस थ्री कितना हो गया प्लस थ्री केवल, और थ्री प्लस थ्री सिक्स होने की वजह से केवल क्या आ जाएगा प्लस थ्री। ओके, तो ये हमने क्या निकाल दिया, सभी के एलिमेंट का कोफैक्टर। अब इससे जो हम क्या बनाएंगे अपना एक मैट्रिक्स, तो मैंने जो जिस ऑर्डर में निकाला है, जब सेम पोजीशन पे निकाला तो सेम लिख देते हैं, जीरो माइनस इलेवन जीरो, यहां पे कितना है प्लस थ्री, वन माइनस वन टू एट एंड थ्री, ठीक। अच्छा आप भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमने निकाला है ऐसे ही आप क्रम निकालिएगा तीन तीन का, ठीक है, जैसे एलिमेंट उपस्थित होंगे, नहीं तो फिर आपको जो है ये वाला सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है अपना सी डैश, अर्थात इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेना तो अब बच्चों का खेल कि नहीं, आरंभ हो गया सी वन आर टू हो गया सी टू आर थ्री हो गया सी थ्री, तो ये क्या निकाल दिया हमने एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास दो चीज मौजूद है, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें जो है प्रूफ करने के लिए यही दो चीजें तो चाहिए थी, ठीक है, और ए तो अपने पास ऑलरेडी है, तो वीडियो पॉज करके इतना लिखिए, फिर अभी हम प्रूफ करते हैं। अब हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, देखिए a हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a अभी अभी निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 11 आ चुकी है, ठीक। तो बताइए a की वैल्यू क्या है, ये यहां रख दिया हमने इस a की पोजीशन पे, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, ये है, मैंने यहां रख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाइए और देख के आइए। अब देखिए कैसे करते हैं, इस R1 को उठाते हैं C1 पे C2 पे C3 पे अलग अलग पटक के, यहां उसको जोड़ के वैल्यू लिख देते हैं, बस खत्म बात। तो बताइए ये R1 पहुंचा C1 पे तो 1 टकराया 1, 0 से क्या हो गया 0, माइनस 1 माइनस 11 से क्या आ गया प्लस 11, 2 0 से टकराया तो 0, तो 0 प्लस 11 प्लस 0 कितना 11, तो यहां पे कितना आ गया 11। अच्छा कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहां पे कितना आएगा प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब इस R1 को C2 पे रखते हैं, तो ये 1 गया 3 के पास क्या हो गया 3, माइनस 1 गया 1 के पास क्या हो गया माइनस 1, और ये 2 गया माइनस 1 के पास माइनस 2, तो 3 माइनस 1 माइनस 2, तो 3 माइनस 3, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, ठीक। 1 गया 2 के पास 2, माइनस 1 गया 8 के पास माइनस 8, ठीक, और ये 2 गया 3 के पास 6, यहां पे 2 आया यहां 6 आया, तो 2 प्लस 6 8 और ये माइनस 8 कितना 8 माइनस 8 0। ओके, फिर से उसी तरीके से जो है ये मल्टीप्लिकेशन कर डालोगे, ये 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 एंड ये आएगा, ठीक, क्लियर है। ओके, अब जरा गौर फरमाइए, यहां 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 सब जगह से 11 कॉमन है, क्या कॉमन है ना 11, तो अगर मैं 11 यहां बाहर कर लूं तो ये क्या बच जाएगा 1 1 1 केवल बचेगा अंदर, और बाकी सब तो 0 है, और 1 1 1 को क्या बोलते हैं हम,
अगर विकर्ण में सभी वर्णमान भरे हो तो वो कहलाता अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 11:2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जरा 11 है क्या, है ना, यही डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या इसी बात को ऐसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। अगर इस पे जो गौर फरमाइए और कैलकुलेशन देखिए, ये गया C1 पे, तो 0 से 1 टकरा है 0, 3 से 3 9 और 2 से 1 कितना 9 प्लस 2 11 ठीक, 0 से माइनस 1 0, 3 से 0 2 से 0 तो सब 0। देखिए अब यही वाला इस पे 0 से 2 गए तो 0, 3 से माइनस 2 गए तो माइनस 6, 2 से 3 गए तो 6, 6 माइनस 6 0। सेम वैसे यहां पर भी आएगा। ओके अब बताइए यहां पे भी 11 क्या है, कॉमन है, तो ये क्या बचेगा पूरा का पूरा केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, क्यों, क्योंकि 11 तो सब जगह चला गया तो 1 1 1 बच जाएगा और बाकी सब तो 0 था, तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। और 11 है क्या चीज, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन किया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आया, इसका मतलब क्या है, ये वाला भी आपस में बराबर है, अर्थात ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये ही दोनों इक्वल है किसके, इसके, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम ठीक। तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करके लिख लगाइएगा। ओके वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।